जैसे खड़ा है कपड़ा है, स्त्री है पुरुष है, पशु है पशु, तो खड़ा कपड़ा अलग अलग है, स्त्री पुरुष अलग अलग है, पशु मनुष्य अलग अलग है, परंतु है सब में है। तो ये है क्या है, किसी को संस्कृत में अस्थि भाव बोलते हैं, अस्थि खटा अस्थि, पटा अस्थि, पुरुष अस्थि, स्त्री अस्थि, पशुर अस्थि, अस्थि अस्थि इति सत्, जो है उसी को संस्कृत भाषा में सत् बोला जाता है। आपको यदि भोग का विचार करना हो तो खड़े का भोग कैसे होगा, कपड़े का भोग कैसे होगा, ये सोचना पड़ेगा। स्त्री का भोग कैसे होगा, पुरुष का भोग कैसे होगा, पशु का भोग कैसे होगा, पक्षी का भोग कैसे होगा। काम करना होगा तो खड़े से काम क्या लें, कपड़े से काम क्या लें, ये सब विचार करना पड़ेगा। लेकिन जब तत्व का विचार करना होगा तो घड़े कपड़े का नहीं, दोनों में जो है ना, उसका विचार करना पड़ेगा कि वो क्या है। तो आप स्वयं सोच लो कि आपका मन घड़े के बारे में सोचता है, कपड़े के बारे में सोचता है, कि है के बारे में सोचता है। खड़ा तो अपना भी होता है, पराया भी होता है, लेकिन है तो अपना पराया नहीं होता ना। वो है क्या है, अस्थि क्या है, वो सत क्या है, हिंदी में है बोलते हैं, संस्कृत में अस्थि बोलते हैं, अस्थि उसको सत बोलते हैं। अस्थि क्रियापद है और सब जो है वो कर्तृपद है। अस्थि इति सत्, घटस्तन पटस्तन। अब इसमें घड़ा और कपड़ा, मेज और कुर्सी, बैठना हो, बेचना हो, लेना हो, तब कुर्सी अलग चीज है, मेज अलग चीज है। और लकड़ी का विचार करना हो तो मेज कुर्सी दोनों में लकड़ी है, मिट्टी का विचार करना हो तो दोनों में मिट्टी है। तो जिनको भोग करना है या काम में लेना है वो तो मेज कुर्सी का विचार करेंगे, जिनको खरीदना बेचना है वो तो मेज कुर्सी का विचार करेंगे, और जिनको वस्तु का तत्व का विश्लेषण करना है
विवेक करना है, बोध प्राप्त करना है, तो वो तो दोनों में जो एक है सत्ता, उस सत्ता का विचार करेंगे। तो उस सत्य का नाम है ब्रह्म। वो हम में है, तुम में है, सब में है। तो हम तुम सब पर जब तक ख्याल रखोगे ना, तब तक वो मालूम नहीं पड़ेगा। अपने ख्याल में से हम तुम सब जब निकाल देंगे, तब उस वस्तु पर विचार जाएगा। तो जो लोग दुकान हमारी, मकान हमारा, धन हमारा, खेत हमारा, और स्त्री हमारी, पुरुष हमारा, पति हमारा, पुत्र हमारा, इस खंड से जो हमारा हमारा सोचते हैं, उनके लिए ब्रह्म का विचार जरा दुर्लभ है, वो दुर्लभ है, कठिन है, मुश्किल है। तो ये विचार की शैली ही दूसरी जगह से शुरू होती है। एक श्लोक हम बोलते थे बचपन में भक्ति का, वयम देव्यो जाता चिर परिगता एवं खलु थे। जिनसे हम पैदा हुए थे वो कब के चले गए, समम यही समृद्धा गमिता। जिनके साथ पढ़े लिखे खेले बड़े हुए, अब उनकी कभी कभी याद आया करते। इदानी ए प्रतिदिवस मासन्न कतना। अब हमारी हालत ये है कि दिन दिन मौत के पास पहुंचते जा रहे हैं। गतातुल्यावस्था सिकतिल नदी तीर तरुहि। हमारी वही हालत हो गई है जैसे बालू का करार हो और नदी के थपेड़े लग रहे हो। अब गिरा, तब गिरा, अब गिरा, तब गिरा। ये मनुष्य इधर ध्यान नहीं जाता है। 100 वर्ष का आदमी भी ऐसी योजना बनाता है जैसे वो कोई 1000 वर्ष जिंदा रहने वाला है। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये। और दूसरा श्लोक है भर्तृहरि का, अवश्यम व्यापार चिरतर मुषित्वादि विषया। ये संसार के विषय चाहे कुछ दिन ज्यादा हमारे साथ हैं, लेकिन एक दिन छूटेंगे जरूर। चाहे ये छोड़ के जाए, चाहे हम छोड़ के जाए, छूटना तो जरूरी है। अवश्यम यातारः चिरतर मुषित्वापि विषयाः। वियोगे को भेद त्यजति न जनो यत् स्वयमहम्। जो छूटने है हम छोड़े कि वो छोड़े, छूटने में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसी क्या माया है, ऐसा क्या मोह है कि हम इनको स्वयं नहीं छोड़ते हैं। यही छोड़ छोड़ के हमारे दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। बल्कि फायदा तो वे छोड़ के जाएं इसमें नहीं है, फायदा तो इसमें है कि हम छोड़ रहे हैं। प्रजंत स्वातंत्र्या अतुल परितापाय मनसः। जब वे छोड़ के जाएंगे तो बड़ा दुख दे के जाएंगे।
अपनी मर्जी से जाएंगे हम तो उसी करते हैं। स्वयं त्यक्ता चेते समसुखमनंतं विदधति। यदि हम इनको छोड़ दें तो हमको एक छोड़ने का मजा आएगा कि हमने इतनी बड़ी चीज छोड़ दी। एक बार हमारी जेब कटी तो उसमें 3 आना पैसा तकलीफ हुई, जेब कट गई 3 आना पैसा। और कभी किसी को 100, 200, 500 अपने हाथ से उठा दिया दे दिया तो देने का सुख हो। तो छूटना तो वैसे भी है ऐसे भी है। तो छूटने का सुख लो, छूटने का दुख क्यों लेते हो? प्रजंत स्वातंत्र्या अतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्ताचेते समसुखमनंतं विदधति। तो कहते हैं ये है के साथ जो तुमने घड़ा कपड़ा मकान दुकान औरत मरद पशु मनुष्य ये जो है के साथ जोड़ दिया है, ये जोड़ा हुआ है, वो है किसी के साथ जुड़ता नहीं है। तो बोले अच्छा आओ निषेध करें कि है नहीं कुछ नहीं है, है पर है में कुछ दूसरा नहीं है, इसको निषेध बोलते हैं। निषेध माने मना कर दो, मुकर जाओ, इनकार कर दो। बोले ठीक है, किसी ने कहा कि वायु में रूप नहीं है, वायु में रूप नहीं है ये बात तो सच्ची है। वायु लाल काला पीला नीला नहीं होता, आकाश में भी रूप नहीं है, ठीक है निषेध हो गया। लेकिन तेज में तेजस तत्व में तो रूप होता है ना, तो आकाश में से वायु में से रूप का निषेध किया अपवाद किया तो दूसरी जगह रूप सिद्ध हुआ। तो ऐसे यदि हम ये निषेध करें कि आत्मा में धन नहीं है, आत्मा में पुत्र नहीं है, आत्मा में पति पत्नी नहीं है, आत्मा में देह नहीं है, तो इसका अर्थ ये होगा कि आत्मा में तो नहीं है परंतु और कहीं है। रूप आकाश में नहीं है, रूप वायु में नहीं है, ये अध्यारोप अपवाद का अर्थ समझो। ठीक है आकाश में तो रूप नहीं है, वायु में रूप नहीं है, तुमने ठीक कहा, परंतु तेज में तो रूप है, जल में तो रूप है, पृथ्वी में तो रूप है, एक जगह नहीं है दूसरी जगह है। तो बोले कि नहीं, इसी से केवल अपवाद करने से काम नहीं चलता, पहले अध्यारोप करना पड़ता है और फिर अपवाद करना पड़ता है। इससे क्या होता है, अध्यारोप काल में जो है वो भ्रम सिद्ध है, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते इति न्यायेन देहांतः आरोप खादिरीरितः। पहले आकाश से लेकर के देह पर जाए सबको आत्मा में आरोपित किया पहले और फिर उसका निषेध किया, प्रतीति प्रतीति का अनुवाद किया, किसी को अध्यारोप अपवाद बोलते हैं। बिना अध्यारोप अपवाद के वो गणित नहीं आता है। मान लो ये इस संख्या के बराबर ये संख्या है, अच्छा एक एक दो ही होता है, 3 नहीं होता, क्यों?
बोले इसका नाम स्वयं सिद्धि है, पहले ये बात मान लो, इसमें क्यों मत सब अध्यारोप है। अध्यारोप माने चीज तो दूसरी है परंतु भ्रम के कारण हम उसको दूसरी समझ रहे हैं। जो भ्रम से समझा हुआ दूसरा है उसका अपवाद करना हटा देना, जगह पर से नहीं हटाना, अपने दिमाग में से हटाना। ये जो अध्यारोप अपवाद है ये दिमाग में ही हम किसी को सच मानते हैं, किसी को मेरा मानते हैं, किसी को मैं मानते हैं, ये दिमागी फितूर है। और इस दिमागी फितूर को दूर करने के लिए बाहर क्रिया करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही कुछ होना चाहिए भ्रम को निवृत्त करने के लिए। प्रमा होती है, प्रमाणाभास को निवृत्त करने के लिए प्रमाण होता है, प्रमेयाभास को निवृत्त करने के लिए प्रमेय होता है, प्रमाताभास भी होता है, प्रमात्राभास। हमारा अंतःकरण ही सब जानता है, असल में तो अंतःकरण का जो साक्षी है, दृष्टा है, वो जानता है। तो अंतःकरण प्रमाता का आभास जो अंतःकरण में पड़ता है इससे वो जानने वाला बनता है। तो प्रमाता के ज्ञान से प्रमात्राभास की निवृत्ति होती है, प्रमाण के ज्ञान से प्रमाणाभास की निवृत्ति होती है, प्रमेय के ज्ञान से प्रमेयाभास की निवृत्ति होती है। ये कोई 400 रकम के होते हैं। ये बात की जो प्रक्रिया है ये कोई 400 रकम से 400 प्रकार से होती है। देखो नाव से नदी पार की, तो नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत थी, अध्यारोप हुआ और जब नदी पार कर ली तब यदि आदमी कहे कि अब हम नाव नहीं छोड़ेंगे तो जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचेगा। प्रयोजन पूरा हो जाने पर साधन का बाद हो जाता है। बोले भाई सबको लड्डू का प्रसाद बांटो, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको बांटो, बहुत बढ़िया, स्वामी जी को मत देना। क्यों? ये उसके अधिकार नहीं है। बोला है हाँ, ये डायबिटीज के रोगी हैं, इनको लड्डू मत देना, है ना, इनके लिए हानिकारक है। तो ये क्या हुआ, निषिद्ध है वो, डॉक्टर के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, विचार के द्वारा, शास्त्र के द्वारा ये निषिद्ध है। पहले जो कहा था कि सबको लड्डू देना, इस वचन में इतना अपवाद आ गया स्वामी जी को छोड़कर, हो गया ना। एक तो प्रयोजन पूरा हो गया तब साधन छोड़ दिया जाता है, एक मना हो तो साधन छोड़ दिया जाता है। एक असत्यानुष्ठान हो तो साधन छोड़ दिया जाता है। मरते समय राम के नाम का उच्चारण, और मरते समय हाथ काबू में नहीं, मुंह काबू में नहीं, जीभ काबू में नहीं, कैसे राम राम बोलोगे? तो उसका अर्थ होता है कि मरने से पहले जब तक होश रहे तब तक राम राम बोलो। मरने के टाइम पर थोड़ी बोला जाता है, मरणावच्छेदन जो काल है उस काल में तो राम नाम का उच्चारण अशक्य है, तो उसके पहले कर लो, अशक्यानुष्ठान हो गया। तो बाद का अर्थ जो है ना, बाद का अर्थ है अब वो सच्चा नहीं रहा, खड़ाओं पर चढ़े, कटाखट कटाखट, पांव गंदा नहीं हो चले गए, पर जब ठाकुर जी का मंदिर आ गया तो उसमें खटखट करते हुए खड़ाओं पर मत जाओ, उसको बाहर निकाल के जाओ। खड़ाऊ आपके पांव को पवित्र करने के लिए ठीक है, परंतु मंदिर को अपवित्र करने के लिए नहीं है, वो तो बेअदबी है। अब
अपने से बड़े के सामने खटखट करते हुए जाना, मुर्दों की सभा में जिंदा बनना, बड़ों के सामने जोर से बोलना, जोर से हंसना, खटखट करना, पांव फैलाना, पांव पर पांव रख के बैठना, है ना, ये सब हमारे अदब कायदे के खिलाफ पड़ता है, वो मर्यादा के विपरीत पड़ता है। तो यही अध्यारोप अपवाद के माने यही होते हैं, पहले कड़ाव पहनो फिर निकाल दो, पहले नाव पर चलो फिर छोड़ दो, है ना, जिस साधन के तुम अधिकारी हो वो साधन करो। तो पहले होता है अध्यारोप और फिर उसका होता है अपवाद। निष्प्रपंचम प्रपंचते, परब्रह्म परमात्मा निष्प्रपंच है, उसमें कोई परपंच नहीं है। मुनियों ने परपंच रचाया, एक थे महात्मा प्रागदास जी, हो जनकपुर के थे, उनका नाम था प्रागदास जी। तो अपने को रामचंद्र भगवान का ताला मानते थे, मिथिला के थे ना जनकपुर के, जानकी जी हमारी बहन है और मैं रामचंद्र जी का ताला हूं। तो वो अपने सिर पर एक खाट रखते और उस पर दो तकिया बिछाने का, ओढ़ने का सब रखते। तो जहां जाते वहां खाट बिछा के, दो तक बिछा के, तकिया लगा के चक्कर डाल देते उस पर, कहे हमारे बहन बहन हो, तुम लोग इस पर तो हो हैं? और खुद हड्डी में सोते हो। तो एक बार कुंभ के मेले में गए तो कोई ये महंत मंडलेश्वर उनको अपने खेमे में ठहरने ही न दे, तो ये खाट और ये तोसट और तकिया है ना। तो उसने कहा गए क्या रखा है, मुड़ियों ने परपंच रखा है, मुड़ियों ने माने ये मुंडी लोग जो है ना, जिनके सिर पर छोटी होटी नहीं रहती, मुड़ियों ने परपंच रखा है, क्या रखा है मेले में, प्रागदास राघव को लेकर पड़े रहेंगे ठेले में। ऐसे तो ये सारी दुनिया के जो खेल है ना, ये तो बुढ़ियों का परपंच है, वही उनके हैं, ऐसे ऐसे सब होते हैं। प्रागदास प्रहलदवा कारण रघवा है गयो भगवा, प्रागदास कहते हैं कि प्रहलाद की वजह से राघव जो रामचंद्र हैं वो बाघ बन गए हो, नृसिंह बन गए, रघवा हो गए भगवा, राघव बाघ हो गए। तो ये जो प्रपंच है दुनिया का, ये सच्चा है, ये मेरा है, ये तेरा है, वो लाठी चलती है, वो लड़ाई होती है, ये सब अच्छा रूप है। जो नहीं है वैसी कल्पना की गई है, भ्रम से कल्पना की गई है। पहले अध्यारोप को समझो कैसे किया गया, क्यों किया गया, और फिर अपवाद को समझो। अध्यारोप माने दूसरे पर दूसरे को थोप देना, और अपवाद माने दूसरे पर थोपे हुए दूसरों को, दूसरे को बुद्धि में से निकाल देना। तो भी काट के हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे, दाढ़ी उखाड़ के हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे, क्या नाम है उनकी, दाढ़िका बनी रहे, संस्कृत का शब्द है दाढ़िका, उनकी दाढ़ी बनी रहे और हिंदू की चोटी बनी रहे। अथापवादो जगत कथ्यते ब्रह्म बुद्धे तत्रादो पुत्र मित्रादि देहात्मकोच्यते। अभी अपवाद की भी एक अपनी प्रणाली होती है। 2000 बरस पहले या 5000 बरस पहले जैसे आदमी सोचता था और उसको जैसे बोलता था, उस समय की सोचने की शैली भी समझना पड़ता है, और उस समय की बोलने की जो पद्धति है, शैली है, वो भी समझना पड़ता है। आज की भाषा उस समय नहीं बोली जाती थी और आज का सोचने का ढंग उस समय नहीं था,
इसलिए हम लोग पुरानी शैली से उसका जो अर्थ बताते हैं ना मीमांसा पद्धति से वो ठीक होता है। और शैली तो ठीक क्या है, विलायत से यूनान में किस शैली से विचार होता है, अमेरिका में किस शैली से विचार होता है, रशिया में किस शैली से विचार होता है, वहां से तो शैली सीख के आए, सोचने का ढंग तो लिया वहां का और बोलने का व्याकरण भी लिया उसी ढंग का, और सोचने लगे हमारी 5,000-2,000 बरस पहले बोली हुई भाषा तो उनकी समझ में नहीं आता है। ये बाबू लोग सही अभिमान करते हैं, पहले यहाँ की बोली समझ तो लो बाबू, वेद के मंत्र का अर्थ मीमांसा कैसे करती है, पूर्व मीमांसा कैसे करती है, उत्तर मीमांसा कैसे करती है, ब्रह्म का निरूपण धर्म का निरूपण, अपनी बोली को बोलते नहीं जानते नहीं और विलायती बोली बोलते हैं। अथापवादो जगत सत्यते, अब हम इस अध्यारोप का निराकरण करना चाहते हैं। हम पहले जब वेद मंत्र का कोई अर्थ करने लगेगा तो उससे पूछेंगे कि तुमने किस परंपरा से वेद के अर्थ को करना सीखा है, कोई संप्रदाय है, जैमिनी का संप्रदाय है, व्यास का संप्रदाय है, शंकर रामानुज, इन लोगों ने जिस पुरानी शैली को अनादि शैली को पकड़ के वेदार्थ किया है उसमें से कोई शैली तुमको मालूम है? बोले देखो वेद में लिखा है, क्या लिखा है, तारम सुतारम, ये बिजली का तार ऐसे लगाना चाहिए, है ना, सुतार के काम ऐसे लेना चाहिए, तारम सुतारम। बोले ये तार सुतार का इसमें वर्णन है, ऐसे नहीं होता है। तो पहले श्रुति हमारी लौकिक प्रतीति का जैसा हम लोग दुनिया में समझते हैं, पहले वो कहते हैं देखो तुम ऐसा समझ रहे हो, ये हुआ अध्यारोप का अनुवाद, माने लोगों की जो मान्यताएं हैं धारणाएं हैं जैसा लोग महसूस करते हैं जैसा एहसास होता है दुनिया में जैसा मालूम पड़ता है पहले उसको दोहराते हैं। बोले कि भाई दुनिया में देखने में आता है कि लोग अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम अपने बेटे से करते हैं, पैसे से करते हैं, मित्र से करते हैं, पत्नी से करते हैं, पति से करते हैं, ऐसा लगता है कि वही आत्मा है, ये शरीर तो गौण है, जब अपने बेटे के लिए। काशी में एक पत्नी थी, हो उनका नाम बहुत मशहूर, हमारे काशी के बड़े प्रसिद्ध थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त, उनकी लाइब्रेरी सबसे बढ़िया मानी जाती थी उनके समय में, हमारे काल में थे वो, भारत माता का मंदिर उन्होंने ही बनवाया, उन्हीं के पैसे से बनाया, कल बहुत बढ़िया भारत माता का मंदिर। उनकी पत्नी को किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पति की आयु अब इतनी है, विश्वास था उसका बताने वाले पर, दूध की दूध था, तो उसने कहा कि मैं मर जाऊं और मेरे पति जीवित रहें, इतना प्रेम था उसका अपने पति का, ऐसा हो सकता है कि मेरी आयु उनको मिल जाए, और इसके लिए उसने क्या क्या किया, क्या क्या किया। बाबू शिव प्रसाद गुप्त तो बहुत दिनों तक जिंदा रहे और वो तो पहले ही मर गए, इतना प्रेम होता है दुनिया में, देखो चोर का ढंग से इतना प्रेम होता है कि अपनी जान जोखिम में डाल के नकब में घुसता है और कोई देख ले महाराज एक बरछा मार दे भीतर, एक तलवार मार दे भीतर, सिर फोड़ दे भीतर, इतना खतरा उठा के इतनी रिस्क उठा के, एक स्त्री अपने यार से मिलने के लिए कितना रिस्क उठाती है,
तो मालूम पड़ता है कि असल में आत्मा ये शरीर नहीं है, आत्मा तो वो यार है, आत्मा तो वो बेटा है, आत्मा तो वो पति है पत्नी है, आत्मा तो धन है, धन से इतना प्रेम, पुत्र से इतना प्रेम, मित्र से इतना प्रेम, कनत्र से इतना प्रेम। मालूम होता है कि आदमी अपने से ज्यादा, हम मर जाए तो मर जाए, मैं मर गई हूँ तो है ना, भजई हूँ पहुंचा देख देख जियरा बजाई हूँ। गांव का एक आदमी था, उसने एक रुपया लिया हो कि बाजार में से कोई सौदा खरीद के ले आवे, गर्मी का दिन मुट्ठी बांधे हुए था, पसीना हो गया, तो बोला रुपया जी तुम रो मत, रो क्यों रहे हो, है ना, तुम हमको छोड़ के जाने में तुमको रोना आता है, तो मैं मर गई हूँ तो है न भज गई हूँ, मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन तुमको बुनाऊंगा नहीं, तो सोता देख देख जियरा बोलेंगे, तुमको देख देख के खुश होंगे, भूखा रह गया आदमी पर उससे चावल नहीं खरीदा और गेहूं नहीं खरीदा। तो ऐसा प्रेम मनुष्य का अपनी चीजों से होता है। तो आत्मा कौन है, अपना आपा आत्मा है कि वो पैसा आत्मा है कि पुत्र आत्मा है कि स्त्री आत्मा है कि पुत्र आत्मा है। तो इस भाव को मिटाने के लिए श्रुति उपनिषद देह में आत्मा का आरोप करती है, वो पैसा आत्मा नहीं है, अपना शरीर आत्मा है। लो बोले भाई पुत्र आत्मा है, ये बात तो देखने में आती है, क्यों आती है कि जब संस्कार होता है ना, बात तो नहीं होता है, ये जात कर्म नाम का एक संस्कार होता है। संस्कार माने पहले से ही अपने कुल की मर्यादा, अपना सदाचार अपने बेटे में स्थापित करना, इसका नाम संस्कार होता है। वो संवारना, बच्चे को संवारो, कैसे संवारो, जिस दिन वो पेट में आवे उसी दिन से संवारना शुरू करो, गर्भाधान संस्कार, वेद के मंत्र बोलो, है ना, पूजा करो, वो पूजा के मंत्र पूजा का कर्म बच्चे के संस्कार को बनाने के, बच्चे को संस्कार करना माने संवार देना। एक केश संस्कार बोलते है ना, मैले हो गए हैं, आपस में उलझ गए हैं, तो इनका संस्कार किया गया। यहाँ तो मैंने देखा तुम केश संस्कार केंद्र, केश संस्कार केंद्र बालों को संवारते हैं, बच्चे को तो नहीं संवारते हैं, बालों को संवारते हैं। तो माँ के पेट में आता है तो संस्कार करते हैं, गर्भाधान संस्कार। मैंने काशी में देखा, गाना हो रहा है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं, होम हो रहा है, अरे शास्त्री जी आपके घर में आज क्या है, बोले आज गर्भाधान संस्कार है। फिर सूर्यपवन होता है तीसरे महीने में, फिर जीवंतोन्नयन होता है सातवें महीने में। जब बच्चा पैदा होता है तो नाल छेदन के पूर्व, नाल काटने से पहले जात कर्म संस्कार होता है, तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, उस मंत्र में ये बोला जाता है कि हे पुत्र तुम मेरी आत्मा हो, अंगाद अंगाद संभवती हृदयाद अभिजायते आत्मा वही पुत्र नामासी सजीव सरदाम सतम। कई संस्कार संपन्न लोगों के घर में जो बच्चा होता है उनको तो बिस्कंडी में ले गए कई बार, तो बच्चे की जीत पर राम लिखो, राम सहज सहज से राम लिखो, कम से कम कुछ तो थोड़ा संस्कार तो बने। तो वही आत्मा वही पुत्र नामा, तुम अंग अंग से निकले हो, हृदय से पैदा हुए हो, तुम्हारा नाम तो बेटा है लेकिन मेरी आत्मा ही हो तुम। तो ये श्रुति कहती है कि बेटा तो अपना आत्मा ही होता है। और युक्ति भी है, युक्ति भी है उसमें कि बेटा तो अपना आत्मा ही है, क्यों प्रतिनिधि के रूप में जो काम बाप न कर सके वो काम बेटे को करने का अधिकार होता है। अंशुमान गंगा जी को नहीं ला सके तो दिलीप ने कोशिश की, दिलीप गंगा जी को नहीं ला सके, है ना, तो भगीरथ ने कोशिश की,
तो बाप का जो बाकी काम होता है वो बेटा करता है, तो वो बाप का प्रतिनिधि है, और प्रतिनिधि माने वैसा ही है वो, जैसा बाप वैसा बेटा, ये मतलब होता है। साकल्यम पुत्र भार्यादेर वैकल्यम चात्मनिच्छते इत्याह भाष्यकृतेन पुत्रे स्वात्मता भ्रम। क्या प्रतीति है, अगर पुत्र खुश हो तो बाप बोलता मैं खुश हूं। सर्वत्र जय मन विच्छेद पुत्राविच्छेद पराजय, हर जगह तो जब जीत जाए तब खुश हो, लेकिन बेटे से जब हार जाए तब खुश। ये शास्त्र में ऐसा लिखा, सर्वत्र जय मन विच्छेद पुत्राविच्छेद पराजयम। तो बेटा अगर हृष्ट है, पुष्ट है, खुश है तो बोले हम खुश हैं, और बेटे को कोई तकलीफ है बोले क्या कहें महाराज, बड़ी तकलीफ, बड़ा प्रेम होता है। ये है लौकिक स्थिति का अनुवाद। तो लोग अपने बेटे को अपना आत्मा समझते हैं, अपनी पत्नी को अपना आत्मा समझते हैं, अपने पति को अपना आत्मा समझते हैं, और व्यापारी लोग देखो पैसे के लिए कितना खतरा उठाते हैं, दो दो चार चार लाख का बीमा करा के हवाई जहाज पर चढ़ते हैं कि भाई देखो हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, हमारे बेटे को इतना मिल जाएगा, हमारे रिश्तेदार को इतना मिल जाएगा। हाँ खुद मर जाएंगे पर हमारे बेटे को तो मिलेगा, ये दुनिया में देखने में आता है। तो पैसा मिल जाए हम मरे तो कोई बात नहीं, हम एक परिवार को जानते हैं, उनके पति पत्नी व्यापार के लिए जा रहे थे विधायक, जब हवाई जहाज का हादसा हुआ बीच में दोनों मर गए, फिर उनके समझी समझी जाने लगे तो वो भी मर गए। कितना खतरा उठाते हैं पैसे के लिए, सीताराम जैसे पैसे ही ईश्वर हो आत्मा हो तो आत्मता का भ्रम होना चाहिए तो अपने लिए बहुत कम, निर्वाह मात्र के लिए चाहिए, लेकिन प्यार करते हैं तो यमन तो स्यायम आत्मा पूर्ण यह प्रतिधीयत इत्यतः बचो बच्चे करे यो तथा स्वात्मता भ्रम ही वही। अरे बड़े पुण्य करने से हमको ये बेटा मिला है, बड़ा पुण्य करने से ये पत्नी मिली है, बड़ा पुण्य करने से ये पति मिला है, ठीक है अपना मैं और देह में तो हल्का पड़ गया और बाहर की चीज में हो गया। ये है लौकिक स्थिति का, दुनिया की जो हालत है उसका अनुवाद किया, इसका नाम अध्यारोप हुआ हो। अब उसका अपवाद करना है, ये बात हटानी है, जो दिमाग से निकाल देनी है। एवं जुदति तुम देहदेवात्मत्वं होच्यते जो देहो न मयस्सोयम् एवात्मान्योन दक्षिणो। कहते हैं देखो भाई ये शरीर जो है ये अन्न रस से बना हुआ है, अन्न के रस से ये शरीर बनता है, और अपना मैं तो इस शरीर में ही होता है, शरीर के बाहर जो होता है वो तो मेरा होता है, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मैं हो सब सब है, और मैं न हो वो सब कैसे हो। मदीय पुत्र भार्यादि भेदावभासनात्मता पुत्रे वृत्याद संहता यथा। बोले भाई के ये मेरा है, तो मेरा है माने मैं से जुदा है, ये बात तो निकली गई, मैं है ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं मेरा है, तो जो मेरा हुआ वो मैं से जुदा तो हुआ ही, भेद मालूम पड़ता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। तो धन को मैं समझना एक जोश है, जो एक बार
एक ऐसा प्रसंग आया, बहुतों के प्यारे थे। वैसे महात्मा लोग आपस में जो बातचीत करते हैं ना, वो कहते हैं कि देखो भाई, बहुतों को अपना प्रेमी मत बना, नहीं तो तुम मर जाओगे तब सब रोएंगे। तो बहुत लोगों को रुलाने के लिए, हाँ, तो तुम्हारे मरने पर कोई रोवे नहीं, ऐसा अपने को रखो। रुला के मरे तो क्या मरे, ऐसा रखो अपने को कि तुम्हारे मरने पर कोई रोवे नहीं। बहुत प्रेमी मत बनाओ। ऐसा प्रसंग पड़ा, एक बहुतों के प्यारे थे, उनका शरीर छूट गया, सीधा नहीं था, अभी बीमार ही थे। शरीर छूटने से पहले बीमार थे, उनके कोई 150-200 अगर हमारे पास आए। बोले महाराज, अब लगता है कि उनका शरीर नहीं रहेगा, तो हम लोग इनकी मौत नहीं देख सकते, हम पहले ही जाके सब लोग 150 आ रहे हैं, तो हम नदी में जाके डूब मरेंगे, हम पहले मरेंगे उसी। देखो भाव ही तो है ना, हम इस भाव की प्रशंसा करते हैं। मैंने कहा, डरे तुम लोगों को ये ख्याल नहीं आता कि अभी तो होश में है, हवास में है। यदि तुम लोगों के इतने लोगों के मरने की खबर उनको मिलेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। बोले हाँ महाराज, ये तो ख्याल हम लोग, अरे भाई तो है, उनके रस्ते तुम लोग मत मरो, इतनी बात हो गई हो। फिर वो मरे, हमारे सामने मरे, उनके मरने के समय में वहां मौजूद था। घंटे दो घंटे चार घंटे बाद लोग उठा के ले गए, उनको नदी में डाल दिया, फिर लौट आए। फिर महाराज जी हुआ, श्राद्ध भी कर लेना चाहिए, दत्तयात्रा भी कर लेना चाहिए, छोटी भी कर लेना चाहिए, हो गई। उसके बाद उन 150-200 आदमियों में से एक आदमी ऐसा निकला, एक माता थी, उन्होंने कहा कि मैं तो मर जाऊं, मैं जीन बाद नहीं हूं। तो वो रात को सबकी आंख बचा के कुएं में कूद पड़ी। अब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे कुएं में कोई आ गया और उनको दोनों हाथ पर उसने उठा लिया। 3-4 घंटे वो कुएं में रहे। जब सवेरे खोज हुई तो लोगों ने कुआं झांक के देखा, किवाड़ी को सब बंद थी, बाहर बैठे गए, तो कुएं घर में जो कुआं था उसमें से उनको निकाला गया। अब मैं गया समझाने बुझाने, मैंने कहा देखो माता जी, ऐसे नहीं मरते हैं, ये तो जोश में मरना ठीक नहीं है, तुम अपना खाना कम कर दो, एक रोटी खा लिया करो, पानी पी लिया करो, जब तक भगवान रखेंगे रहना। अब महाराज उसका शरीर था मोटा और कमा भी था थोड़ा, जो उसने खाना कम करके एक रोटी रोज खाना शुरू किया है, पानी पिया और एक रोटी खाए, थोड़े दिनों में तो वजन उसका कम हो गया और दमा वमा अच्छा हो गया है। और ये दूसरे के लिए जो मरने वाले होते हैं वो जहर खा सकते हैं बोला, और वो छत पर से कूद सकते हैं, वो फांसी लगा सकते हैं गले में, लेकिन उनसे कहो कि खाना पीना छोड़ के एक आध महीने 2 महीने में मरो तो उनका सारा जोश उतर जाता है। असल में मैं से प्रेम ज्यादा होता है और मेरे से प्रेम कम होता है, यही ईश्वरीय मर्यादा, ईश्वरीय नियम है। तो सब लोग अपने मैं से ज्यादा प्रेम करते हैं, दूसरे को गौण रूप से मेरा समझते हैं, मैं समझते हैं, और अपने को, अपने शरीर को मुख्य रूप से मैं और मेरा समझते हैं। ये तो कल्पित है। और जैसे कोई अपने नौकर को कह दे कि हमारा नौकर तो शेर है, तो नौकर कोई शेर थोड़ा ही है, बहादुर है, ये मतलब होता है। तो भाई पहले ये बात समझो, इस देह में से तो बहुत सी चीजें निकलती हैं, और अब तक किन किन नोटों को और गिन्नियों को और जेवरों को मेरा नहीं माना है, किन किन
लोगों को मेरा नहीं माना है, किन किन अवस्थाओं को मेरा नहीं माना है, सब छूटते गए और ये जो मैं है वनिता सतभुक्त बनते। सैकड़ों ने हमको भोग भोग से छोड़ दिया, सैकड़ों से प्रीति जोड़ जोड़ कर हमने छोड़ दी, ये मैं नहीं छूटता है। सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा अपना ये मैं होता है। बाहर के लोग तो थोड़ी देर के लिए वैसे लगते हैं, इसलिए मैं बाहर की ओर नहीं है, मैं भीतर की ओर है। अरे भाई, हमारे तो बार बार मोह हो जाता है, सौ सौ बच्चे खाए समाचार गुस्त के देखे। और एक सज्जन थे, उनका बेटा बहुत खराब था, चोर था, बदमाश था, तो उन्होंने अखबार में फटवा दिया। अब इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, लेन देन नहीं है, कर्ज नहीं है, अदालत में दरखास्त दे रही। हमसे भी कहा कि हमने हमारा छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। थोड़े दिनों के बाद हमारे पास यहीं बंबई में रोते हुए आए, क्या बात है, बोले महाराज हमारा बेटा यहाँ वही बेटा, कहीं किसी के पेट में कमरे में पार्टीशन होता है ना, उसको पार्टीशन अपने लिए लेकर उसमें रह रहा था, तो दूसरी ओर रहने वाला जब कहीं चला गया तो पार्टीशन पार करके गया और उसका सब कुछ उठा के लेके बेचाया बाजार में। अब वो पकड़ के जेल में गया है, आप ऐसी कृपा करो कि वो ठीक हो जाए। मैंने कहा भाई, तुमने तो अखबार में कटवा दिया, अदालत में दरखास्त दिया, मेरा नहीं है, हैं? बोले है तो महाराज अपने खून का ही, देखो ये अपने खून का, तो आत्मता भ्रमा, ये भ्रांति बड़ी भारी होती है। वो एक भाई के घर में मैं ठहरा हुआ था, दूसरे शहर के पास, तो सवेरे बड़ी भारी भगत महात्मा महात्मा माता जी थे, तो सवेरे आई प्रणाम करने, तो मैंने पूछा दाग बच्चे सब ठीक है, अरे महाराज याद मत दिलाओ, मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, अब तो मैं भगवान की याद में लगी हूँ, और कुछ भगवान के सिवा है और हमको कुछ नहीं चाहिए, याद ही मत दिलाओ। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं उन्हीं के घर में ठहरा हुआ, अब रात को महाराज 12 बजे आके हमारी पिटवाड़ी खटखटाई उन्होंने, माता जी ने, स्वामी जी महाराज जी महाराज जी क्या बात है, बोले वो हमारा जो लाला है ना, उसके सिर में बड़ा भारी दर्द है, वो कराह रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी कृपा करो कि ठीक हो जाए। अब वो तो भीतर भीतर तो हंसी आवेगी, सवेरे तो कह देते हैं आज मत दिलाओ। फिर मैं अपनी नींद छोड़ के महाराज अपने कमरे में से गया, बेटे के कमरे में उनके सिरहाने बैठा, उसके सिम के सिर पे हाथ घुमाने लगा, जब तक उनको नींद नहीं आ गई तब तक हम रात को जागते रहे। तो ये जो संसार का संबंध है, ये ऊपर ऊपर से चाहे जितना कह दो कि हम कुछ नहीं मानते हैं, ये तो भीतर घर बना के बैठा है, बिना विवेक के, बिना विचार किए, बिना विवेक किए, बिना असंगता का अभ्यास किए, ये वासना सचने वाली नहीं है। इसलिए विचार करो कि तुम देह हो कि देह के संबंधी हो। ये उपनिषद जो है, ये जो लौकिक रूप से भ्रम हो गया है कि बाहर की चीजें हमारी अपनी हैं, उनको मिटाने के लिए देह की ओर मोड़ता है। इसके बाद प्राण है, फिर मन है, फिर विज्ञान है, फिर आनंद है और अज्ञान है, फिर अपना आत्मा है। केवल जगानी जमा कर इससे काम नहीं बनता है, इसके लिए बड़ा दृढ़ विवेक करना पड़ता है। वेदांत की किताब याद कर ली और बोले कि हम मेरा किसी को नहीं मानते हैं, तो जब एक कांटा गड़ता है तब मालूम होता है।